आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बुधवार को पूरे दिन हुई रिमझिम बारिश ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी। आलम यह है कि बारिश होने के बाद शहर की सड़कों ने दलदल का रूप ले लिया। शहर में लगातार चल रही सीवर और गंगाजल की खुदाई लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है और कल देर रात हुई तेज बारिश के चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ा कर रखती हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं अवधपुरी के आसपास के क्षेत्रों में, जहां आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है वो एक कीचड़ में तब्दील हो गया है। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दूर तक आप देख सकते हैं, यहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं वहाँ उनके पास ग्राहक जाने के लिए रास्ता ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं और जो दुकान है वो सूनी कह सकते हैं कि एक तरह से सूनी है। वो लोग जो दुकानदार हैं एक तरह ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये स्थिति हालांकि अभी बारिश होने के चलते और ज़्यादा दयनीय हो गई है, लेकिन पहले भी यह स्थिति यहाँ इस तरह की देखी जा सकती थी। जो गंगाजल की प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो काम किया गया था उसको देखते हुए कई समस्याएँ, कई महीनों से ये समस्या यहाँ के क्षेत्रीय लोग इसको झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जो परेशानी है यहाँ पर और ये कितने दिनों से ये समस्या बरकरार है उसको बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, किस तरह की समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या है, निकलने तक का रास्ता नहीं है। हमारी आगे स्टेशनरी की दुकान है लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आ पा रहा है। पूरे दिन हो गया, कल भी परसों भी, हफ्ते भर से यही हालात हैं, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। पूरा पूरा दिन बैठ के जा रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है रास्ते की, बिल्कुल आप देख सकते हैं। गाड़ी वाड़ी कोई भी नहीं जा सकती ना आ सकती है, बहुत हालत ख़राब है। हमारी आपसे विनती है कि कृपया जल्दी से जल्दी इसका निदान करवाएं। अच्छा, किसी क्षेत्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर कोई पार्षद वगैरह यहाँ देखने के लिए आते हैं? कन्हैया लाल जी पार्षद हैं लेकिन एक आध बार ही आए हैं, कुछ ज़्यादा हमने देखा नहीं उनको यहाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी दिनों से परेशान हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। मेरा नाम विजय सिंह है सर। ऐसा है, यहाँ के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। बच्चे दूध लेने, सब्जी लेने आते हैं, गाड़ी से गिरते हैं, गाड़ी आए दिन टूटती रहती हैं। पानी के लिए आएंगे, पानी भी परेशानी है। और सब्जी वाले हैं, दुकानदार हैं, सब बहुत दिक्कत ज़्यादा आती रहती है। बारिश तो अभी चालू हुई है, अभी चार दिन हुए हैं, चार दिन में ऐसे हालात बन चुके हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ लोगों की जो परेशानी है वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपसे दिखाना चाहूँगा जिस तरह से यहाँ पर जो हालात हैं। देखो, यहाँ पर सामने कॉलोनियाँ हैं, एक कॉलोनी ये गुरुकुल का इनक्लेव और यहाँ से दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये क्षमा इनक्लेव, जो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देखो गाड़ी अभी निकल रही है उसको देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर जो कीचड़ है, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि पास में ही आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जल निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पर जो खुदाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि मेयर नवीन जैन जी का कहना था कि जिस तरह से वो 14 जल्द से जल्द यानी जितने भी यानी अगर खुदाई की है तो उनको जो गड्ढे हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। अपने साथी अनूप भगेल के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।